अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब लोग। अच्छा जी, आज का जो है वो बच्चों को ड्रॉप कर दी है और जो ब्रेकफास्ट का प्लान है वो बेगम साहिबा की फरमाइश पे बोंग पाए। ठीक है, तो अभी हम चल रहे हैं एक जगह पे वेलेंशिया में, और पहले हमने फिश वगैरह ट्राई की है, नाश्ता हलवा पूरी ट्राई की है, लेकिन बोंग पाए ट्राई नहीं की। तो लेट्स सी कि वहाँ पे निहारी बोंग पाए अवेलेबल है, मेरे ख्याल से अवेलेबल है, तो फिर आपसे भी शेयर करते हैं। ये यहाँ पे हम आ गए हैं राणा मुर्ग चने एंड बोंग पाए। बड़ा रश होता है वेलेंशिया टाउन, और के ब्लॉक की मार्केट है आई थिंक, और पराठे वगैरह भी बन रहे हैं। क्या मूली वाले पराठे, आलू वाले भी हैं? पराठा कितने का है? और ये मूली या आलू वाला? 100। सही, चिकन चीज़ वाला भी। सामने से क्या ये बड़ा अच्छा सेटअप है इनका, साथ में तंदूर भी है इनका। भाई आपका नाम? अयूब। अयूब भाई होते हैं जी यहाँ पे। बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर बन रहा है जी। साथ में ये न्यू रावी मिल्क शॉप है, यहाँ से लस्सी वगैरह भी हो जाती है। सलामकुम जी, क्या रहे सर? लस्सी किस तरह है? 100 रुपये गिलास। ये गर्मा गर्म कुलचे और नान लग रहे और ये मुर्ग चने, अंडा चने, कोफ्ता चने भी है। अभी सुबह सुबह का वक्त है, 7:30 बजे का ये भर जाएगा सारा एरिया, सारी सेटिंग भी, और वैसे लाइन लगी होगी। ये सैलेड वगैरह की कटिंग भी हो रही है जी यहाँ पर। बैठते हैं कार में और कार में बैठ के खाएंगे। ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिए और अभी यहीं पे आ जाते हैं तो आराम से मैं बैठ के यहाँ पे खाता हूँ। जी आ गया है जी मोंग पाए। आज का रिव्यू जो है वो बेगम बताएंगी कैसा है, किस तरह है। जी बेगम। अच्छा है जी। अच्छा तो है, एक्सप्लेन भी थोड़ा कर देना किस तरह से, क्या
मीट के बारे में, मसालों के बारे में कुछ? ठीक है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, टेस्ट भी अच्छा है, ठीक है। और मीट वगैरह इसका? मीट भी टेंडर है और गला हुआ लग रहा है, टेंडर जी। है, अलग तो अच्छा नहीं लग रहा मसालों से, शोरबा वगैरह से? नहीं बेगम बहुत मेहरबानी है आपके रिव्यू की, बहुत शुक्रिया। वैसे कसम खुदा आगे कसम इतना तो अपने खानों के बारे में बंदा बता देता तो नाज़रीन हमने जो है वो मंगवा लिए हैं, बोंगपाई अच्छे थे तो अंडा कोफ्ता चना भी मंगवा लिया। ठीक है, तो बेगम से एक दफ़ा फिर इसका रिव्यू भी ले लेते हैं। जी बेगम बताइए। मज़े का है कोफ्ता का भी टेस्ट बहुत मज़े का है, चने भी बहुत सॉफ्ट और अच्छी है, मसाला भी मुनासिब है, स्पाइसी नहीं है, कोफ्ते का जो बीफ है वो कैसा लग रहा है आपको, अच्छा है, फ्रेश, अपना बना हुआ है या मार्केट का बाइंग लग रहा है? अपना बना हुआ है उनका। अच्छा, ले नाज़रीन आपको खुशी हुई होगी जान के कि अंडा कोफ्ता का चना जल्दी आ, रिव्यू जल्दी आ गया उनकी तरफ से। अच्छा जी, तो हम फिर खुद भी ज़रा ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा कोफ्ता ये है और चने पकड़ में नहीं आ रहे चने। अच्छा ठीक है, अच्छा लग रहा है उसे, कोफ्ते का फ्लेवर भी और चने का भी, गरम मसाला बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, है ना? चलें जी, दोनों पास हैं जी, अंडा कोफ्ता चना और बोंगपा, फिर मिलते हैं मेरे, चलो।